Assalamualaikum friends, welcome to learn.pk. आज मैं MDCAT test के इसके रिलेटेड चंद बहुत ही जरूरी बातें करूंगा, जिनमें चंद questions को लेकर उन्हें solve करने की कोशिश करूंगा। कुछ student जिनमें petitioners भी शामिल हैं, वो ये कह रहे हैं कि MDCAT test के dismissed होने के chances हैं, और जबकि कुछ तो ये कह रहे हैं कि MDCAT test केस वैसे ही खत्म हो गया है। इस तरह से कुछ ये भी कह रहे हैं कि अगर केस का कोई रिजल्ट आता है तो उसके बाद जो न्यू रिजल्ट बनेगा वो सिर्फ पिटिशनर्स का बनेगा, बाकियों का नहीं बनेगा, और इस तरह की तरह तरह की बातें जिन्हें मैं आपके साथ डिस्कस करना और ये ऐसे क्यों हो रहा है, इन बातों को आपसे शेयर करना बहुत ज़रूरी समझता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन, जिस तरह से MDCAT खुद कंसेप्चुअल है, इसी तरह से MDCAT का जो केस है वो भी बहुत ही कंसेप्चुअल हो चुका है, जिसमें तरह तरह की कन्फ्यूजन क्रिएट हो चुकी हैं। अब क्या MDCAT टेस्ट केस ख़त्म हो गया है या फिर कोर्ट ने इसे डिसमिस कर दिया है, और जो भी उम्मीद थी कि न्यू रिजल्ट आएगा, चेंजिंग आएगी, वो सारी चली गई है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब ऐसा क्यों हो रहा है और कुछ पिटिशनर्स भी ये क्यों कह रहे हैं कि MDCAT टेस्ट केस ख़त्म होने के चांसेज हैं? क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के वाइस चांसलर की जब मीटिंग हुई पिटिशनर्स के साथ, तो वो सबके साथ इकट्ठी नहीं थी हुई। हर पिटिशनर की अलग अलग वाइस चांसलर ने बातें सुनी कि उसकी क्या प्रॉब्लम है। इस तरह से कुछ पिटिशनर्स जिन्होंने केस किया था यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस में, जिनमें 7 या 8 हैं, खैर जितने भी हैं, उन सब से वाइस चांसलर ने अलग अलग गुफ्तगू की और उनकी प्रॉब्लम सुनी। जो स्टूडेंट अपना केस बताते हुए या फिर उसके सामने वो अपनी प्रॉब्लम्स अच्छी तरह से यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के वाइस चांसलर को एक्सप्रेस नहीं कर पाए और उसे इस बात की तरफ सेटिस्फाई अच्छी तरह से नहीं कर सके जिस तरह से वो करना चाहते थे। ऐसा होता है कि जब कोई बड़ी शख्सियत आपके सामने आए या फिर जिसे आप ऑनरेबल समझते हो, जैसे कि अगर आप इमरान खान के सपोर्टर हैं तो यकदम इमरान खान आपके सामने आ जाए, शेब अख्तर, तो आप वैसा बिहेवियर या फिर वैसी टॉक नहीं कर सकते जैसे आप नॉर्मल करते हैं। तो इस वजह से वो अपना केस अच्छी तरह से शायद एक्सप्रेस नहीं कर पाए या उनमें ये एबिलिटी नहीं थी अपना केस एक्सप्रेस करने की, जिसकी वजह से वो ये समझते हैं कि हो सकता है केस डिसमिस हो जाए। लेकिन कुछ पिटिशनर्स ऐसे भी थे जिन्होंने बड़ी अच्छी तरह से अपनी प्रॉब्लम यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के वाइस चांसलर को एक्सप्लेन की, कुछ तो घंटा घंटा उससे टॉक करते रहे। तो जिन जो अच्छी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर सके, उनके ये न्यूज़ है कि हो सकता है कि MDCAT टेस्ट केस डिसमिस हो जाए। लेकिन ऐसा करना आसान नहीं, क्योंकि अगर वो अच्छी तरह से अपनी प्रॉब्लम एक्सप्लेन नहीं कर सके तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरों ने भी अपनी प्रॉब्लम MCQS मिस्टेक यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के वाइस चांसलर के सामने एक्सप्लेन नहीं की। क्योंकि 7 पिटिशनर थे, सबसे उसने अलग अलग से बात की, उनकी प्रॉब्लम सुनी, लेकिन पिटिशनर ने तो ये कहा था जो कि अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सके कि हो सकता है MDCAT टेस्ट केस ख़त्म हो जाए। लेकिन इस न्यूज़ को मज़ीद कुछ स्टूडेंट ने फैलाया और ये कहा कि डिसमिस्ड ही हो चुका है। खैर जो भी हुआ, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के वाइस चांसलर ने 2 से 3 दिन मांगे थे, जिनमें से 1-2 दिन तो गुजर गया है। कोर्ट ने स्पेशल वाइस चांसलर को ये कहा था कि वो जिस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने जो रिपोर्ट दी है उसके मुताबिक 7 डेज के अंदर स्टूडेंट की प्रॉब्लम सॉल्व करे। अगर 7 डेज के अंदर वो कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता तो इसके बाद मज़ीद कुछ इकदाम उठाए जाएंगे। लेकिन उम्मीद की जाती है, जिस तरह से कुछ पिटिशनर ये कह रहे हैं कि वाइस चांसलर बहुत ही ग्रेट आदमी था, उसने बड़े अच्छे तरीके से उसकी प्रॉब्लम सुनी, और उम्मीद की जा सकती है कि जो 2-3 दिन उसने मांगे थे कि जो जिस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की रिपोर्ट है उसे स्टडी करने के लिए, तो वो स्टूडेंट के हक में ही फैसला देगा। अगर ना भी देगा तो फिर भी टेंशन की कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा कहना कि टेस्ट ख़त्म ही हो गया है तो ये बात गलत है। अब कुछ और भी प्रॉब्लम्स हैं जो कि लास्ट टाइम भी थी, लास्ट ईयर में भी बहुत से स्टूडेंट को ये कभी भी उम्मीद नहीं थी कि MDCAT कंडक्ट होगा। मैं ये नहीं कहता कि इस साल भी रिकंडक्ट होगा, रिकंडक्ट के कोई चांसेस नहीं, रिकंडक्ट के चांसेस सिर्फ 10% हैं, जबकि रिजल्ट चेंज के चेंज होने के रिजल्ट के जो चांसेस हैं वो 60%, और कुछ भी ना हो और केस डिसमिस हो जाए,
इसके चांसेस सिर्फ 30% है। अब फिर बहुत से क्वेश्चन उठते हैं कि अब केस को क्या करना, जबकि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस वाले तो लिस्टिंग भी लगाने वाले हैं 9 नवंबर को, इसके साथ साथ उन्होंने तो एडमिशन फॉर्म भी सारे कलेक्ट कर लिए हैं, 23 लास्ट डेट है, बस एक दिन रह गया है, तो अब ये सारी चीज़ें कैसी होंगी। तो ऐसे स्टूडेंट जिनके दिल में इस तरह के क्वेश्चन उठ रहे हैं, उनको मेरा सिर्फ एक ही रिप्लाई है कि बस कोर्ट की तरफ से कोई डिसीजन स्टूडेंट के हक में आ जाए न्यू आंसर की क्रिएशन का और रिजल्ट चेंज का, फिर आपके सामने सारा कुछ होगा। फिर आपसे वो हो सकता है कि दोबारा से एम डी कैट रिजल्ट अपलोड करके आपसे दोबारा सिर्फ एम डी कैट का रिजल्ट मांगें, या फिर जो भी होगा आपको मैं खुद बताऊंगा कि ये देख लीजिए ऐसा हो गया है। क्योंकि लास्ट ईयर भी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस कभी भी नहीं चाहती थी कि रिकंडक्ट हो, लेकिन मेजर पॉइंट ये है कि बस कोर्ट की तरफ से कोई डिसीजन ज़रूर आए, और अब इस डिसीजन के चांसेस पहले के नस्बत जिसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने रिपोर्ट दी है उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन स्टूडेंट फिर भी ना उम्मीद हैं। तो ये स्टूडेंट की अपनी जहनी प्रॉब्लम है, किसी दूसरे का कोई कसूर नहीं। मैं ये नहीं कहता कि स्टूडेंट सारी चीज़ें छोड़कर, नाम तो छोड़कर और एमडी के टेस्ट केस पर ही फोकस करें और उसकी कोई न्यूज़ भी ना आए और घर बैठे रहें, लेकिन कम से कम ऐसा तो ना करें कि एमडी के टेस्ट केस ही ख़त्म हो गया, या फिर ऐसी बातें फैलाना शुरू कर दें जिनका अभी कोई जिक्र ही नहीं। तो एक खैर जो भी है ये एक अलग बात है। अब एक और क्वेश्चन जो बार बार स्टूडेंट कमेंट में कर रहे थे कि सिर्फ उन स्टूडेंट का रिजल्ट चेंज होगा और उनके मार्क्स इंप्रूव होंगे या फिर डिक्रीज होंगे जिन्होंने केस किया है, जबकि ये बात भी बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि अगर एक स्टूडेंट के मार्क्स चेंज होते हैं तो बाकी स्टूडेंट का क्या कसूर है? कोर्ट की तरफ से जो भी डिसीजन आएगा वो 61,000 स्टूडेंट के लिए होगा, ना सिर्फ उन 7 स्टूडेंट के लिए जिन्होंने केस किया है। सबसे बड़ी परेशानी जिसकी वजह से स्टूडेंट ऐसी बातें कर रहे हैं कि एमडी के टेस्ट केस ख़त्म हो गया है या फिर अब कोई रिजल्ट आ भी जाए कोर्ट की तरफ से तो फिर भी कोई फ़ायदा नहीं, वो ये है कि वो ये समझते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस ने एडमिशन फॉर्म कलेक्ट कर लिए हैं और इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस 9 नवंबर को बहुत जल्द फर्स्ट मेरिट लिस्ट भी अनाउंस करने वाली है, तो अब कोई फैसला आ भी जाए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। और इन स्टूडेंट को सिर्फ मेरा एक ही रिप्लाई है कि आप बस ये दुआ करें कि एमडी के टेस्ट केस में से स्टूडेंट के हक में कोई ना कोई फैसला आ जाए, जो भी हो फैसला एक एमसीक्यू का या कुछ भी हो सकता है, तो कोई ना कोई रिजल्ट आ जाए तो फिर आपके सामने सारी चेंजिंग होती हुई नज़र आएंगी। लास्ट ईयर भी कोई बहुत से स्टूडेंट नहीं मानते थे कि एमडी के कंडक्ट होगा, आज तक तारीख में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन यकदम न्यूज़ आई कि MDCAT कंडक्ट हो और तारीख ने देखा कि 2017 में MDCAT कंडक्ट हुआ। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि इस साल रिकंडक्ट होगा, रिकंडक्ट होने के चांसेस बहुत ही कम हैं, अप्रॉक्सीमेटली निगलिजिबल, लेकिन MCQs में मिस्टेक की वजह से आंसर की होने चेंज होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो अगर कोई डिसीजन आता है तो आपके सामने सारी चेंजिंग होती हुई आपको नज़र आएगी और सब कुछ आपकी आंखों के सामने होगा, जिसका आपको हो सकता है कि यकीन भी ना हो। लेकिन फ़र्ज़ करें ऐसा भी हो सकता है कि केस डिसमिस हो जाए, तो फिर जाहिर बात है कोई चेंजिंग नहीं आएगी। जिन एडमिशन फॉर्म को यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस ने स्टूडेंट से लिया है उनके अकॉर्डिंग ही मेरिट लिस्ट बनेगी, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी तक केस डिसमिस नहीं हुआ और ऐसी न्यूज़ें फैलाना कि केस डिसमिस हो गया है, ये बात गलत है, जिसे मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। स्टूडेंट्स होप यू बेस्ट ऑफ लक, आप इन बातों को छोड़ें, जो भी फैसला आएगा आपको बता दिया जाएगा। आप अपने मजीद नम्स की तैयारी करें, इसके साथ साथ नम्स में 38 सीट्स हैं FMDC की, इसके अलावा आर्मी के अंडर जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं आप उनके लिए तैयारी करें, और जो भी डिसीजन आएगा अगर कुछ होगा तो आपको बता दिया जाएगा, आप अपना मजीद टाइम ज़ाया ना करें। स्टूडेंट्स होप यू बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।